वेलकम टू क्रेजीनेस। अरे क्या बोलते वाला हम लोग, अपन फिर से वापस आ गए एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ में। मैं इधर काय को देख रहा, बार बार इधर देखने के, इधर। हाँ, तो अपन फिर से वापस आ गए एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ में। और इस बार अपन खेल रहे हैं, अपन खेल रहे हैं जीटीए। जीटीए में ऐसा विषय है कि अपन है बहुत पैसे वाला मानूस, मतलब ऐसे अंबानी को भी कंपटीशन देते हैं अपन, इतना अमीर है अपना, अपने को जो चाहिए वो ऐसे ले लेते हैं अपन। तो अभी आज के वीडियो का टॉपिक है, अरे बहन चोर क्या हो गया, तो आज हम करने जा रहे हैं लंबी चोरी। हम जाएंगे आइलैंड पे एकदम चुपचाप सुमड़ी में, हम उधर का पान मसाला गोल्ड चुना चर्स गांजा पकेट सब चुरा के लेके आएंगे। ऐसे तुम सबको मैं टिप्स देते रहेगा कि कैसे 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 चोरी करने का, कैसे नहीं चोरी करने का, किधर जाने का किधर नहीं जाने का, पुलिस पीछे लगी तो क्या करने का, पुलिस नहीं पीछे लगी तो क्या करने का, गुंडे फंसा वो सब वो जो भी हो गया पूरा, ऐसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबका मैं हिसाब देगा तुमको कि अगर तुमको आगे जाकर कहीं पर चोरी करनी पड़ेगी तो तुम तैयार रहोगे कि भैया मैंने गुगु भैया का वीडियो देखा था, मैं तो रेडी है भाई, आन दो साली को। तो देखो ये है अपना ऑफिस, इधर बैठ के अपन डील क्रैक करते कि चरस किधर से उठाने का है, गांजे किधर से उठाने का, माल किधर से उठाने का है, गाड़ी किधर से चुराने का है। और फिर इधर अपन आए ना तो वाह पैसा, देखो भाई पैसा बोला था ना मैंने, तो पैसा है मेरे पास देखो ही। और अब बाप रे बाप रे बाप 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 रे, ऐसे बैंक कम पड़े रहे, इतने पैसे है मेरे पास। सेफ खोला तो नीचे देखो नीर पैसों की गड्ढा है नीरा। अरे बाप रे बाप, अगर तुमको जरूरत पड़ी रहे पैसों की तो बोलने का, अपने को डॉलर में देंगे, मन डॉलर ये ब्रीफकेस तैयार है, इधर ब्रीफकेस ऐसे उठा के लेके जाने का ऑफिस में से। तो चलो बहुत हो गया, अभी अपन जाएंगे क्या बोलते उसको चोरी करने का, अपने को चुराने का है एक, अभी देखेंगे क्या चुराने का है। अपने को आइलैंड लोकेशन पता है कि किधर जाके चुराने का है, बस क्या चुराने का है वो नहीं, उधर जाके मालूम पड़ता कि उसके तिजोरी में क्या भर के रखा उसने। तो अभी अपन पर्सनल व्हीकल लेगा, पर्सनल व्हीकल में क्या जाएंगे अपन, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी होगी उसको दिखाता मैं कैसी है। तो बस भाई की पैसा कितना है, पैसा पैसा देखो कितना है मेरे पास, यूनिट 10,000,000,000,000 करोड़, 1,55,00,000 रुपए मेरे पास है, वो भी डॉलर्स में। मतलब कितना इंडियन रुपीस में कितना हो जाएगा, हाउ मच इज 1.5 मिलियन डॉलर इन इंडियन रुपीस। मजा के क्या। तो अभी मैं बोला था ना नई गाड़ी है, तो नया गाड़ी का विषय देखो, ये देखो देखो असल किया मैंने, काम नहीं रोका मुझे कितनों ने बोला तेरा काम नहीं होगा, पर आज ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसने सुना मेरा काम और सलाम नहीं ठोका लाया बार। अभी अपने को जाने का है सबमरीन में, सबमरीन में रहता पाविले, रशियन खुफिया आदमी है वो सबमरीन में बैठ के इधर ये तड़ी पार हुआ है रशिया से। अरे शेखनान है मेरे को मारेगा तू है अभी उसको ऐसा फोन लगाया बुलाना पड़ता। हेलो पावेल। यस कैप्टन। अरे वो सबमरीन लेके आ रहे नाके पे। यू विश टू सेट कोर्स कैप्टन। हाँ आई आई फटफट। अरे मैं हेडफोन क्यों नहीं पहना, अरे क्या विषय है, हेडफोन इच नहीं पहना मैंने, वही तो बोलू मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या है। तो ऊपर से मैंने इसमें ऑडियो भी कम करके रखा है ले रे भाई। अरे देखो ये अपनी सबमरीन, सबमरीन का टूर दिखाया तुमको, सबमरीन टूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे सबमरीन में आप सबका। ये मेरे गुची की सबमरीन, ये मेरे गुची के स्टेयर्स, ये मेरे गुची का बिस्तर, ये मेरे गुची का लैपटॉप, ये मेरे गुची के कपड़े। अभी इधर अपन आए तो अपने को इधर मिलता सिक्योरिटी कैमरा, इधर वेपन वर्कशॉप है, इधर आए अपन तो इधर है ये टॉर्पीडो, वैसे कोई आसपास आया ना तो साले को अपन से उड़ा दूंगा, वो सब की सोई सुविधा है यहाँ पर, ऐसे पूरी एकदम वॉर मशीन है अपने पास। इधर आया तो ये अपना कमांड सेंटर हॉल के जैसा। अभी अपन चोरी चालू करते, तो चोरी चकारी का विषय ऐसा रहता है कि अपने को पहले रेकी करनी पड़ती, रेकी बोले तो अपने को पहले झाड़ी लगानी पड़ती कि आगे वाले बंदे के पास में क्या है, कितना है, कितने कितने
जगह पे है और कैसा है। तो अभी ऐसा कैसा रहता, जब चोरी करते ना अपन, तो अपन अपना पूरा हेडक्वार्टर्स उठा के चोरी के लोकेशन पे नहीं लेके जा सकते। अगर किसी ने उधर देख लिया अपने को तो वो बता सकता बाद में कि वो शिप को मैंने घूमते हुए देखा था अपने आसपास, तो शायद उधर चक्की निगाह अपनी तरफ जा सकती। तो अपने को क्या करने का है, अभी अपने को एक पूरा एक आइलैंड है जिधर अपन चोरी कर रहे, तो ये पूरे आइलैंड में हर एक जगह पे अलग अलग जगह पे वैल्यूएबल सामग्रीज जो अपने को उठाने की है, माल बोले तो, वो आइलैंड में कैसा स्मगलर का आना जाना रहता, पूरा इलीगल आइलैंड है वो। ऐसे नहीं सोचने का कि तुमने चोरी कर रहा बटे तू, ऐसा तो अच्छा थोड़ी लगता। तो अपन चोर के घर पे चोरी कर रहे, जहाँ पे चोरी कर रहे हैं वो सब कुछ इलीगल कार्यक्रम, तो चोर के घर पे चोरी कर रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है सब कुछ। तो भी कैसा, वो आइलैंड पे जाने के लिए अपने को चाहिए स्मगलर का पेन, क्योंकि अपन खुद के प्लेन से तो नहीं जा सकते, अगर खुद के प्लेन से गया तो अपन पकड़े जाएंगे। तो भी स्मगलर के प्लेन से जाने का, वो स्मगलर का पेन चुराने का है, और अगर पकड़ा भी गया तो स्मगलर ही पकड़ा जाएगा तो अपने पे नाम नहीं आएगा, मालूम क्या, ऐसा 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 करना पड़ता, थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है, खेलो दिमाग से। सीजन्ड प्रोफेशनल, जैसे प्रोफेशनल किलर तुमको बनने का है तो हमेशा अपना ट्रेल्स छुपाने का, जब भी तुम कहीं पे चोरी वोरी करने जाओगे ना तो हमेशा अपने पीछे छुटे हुए सुराग या फिर अपने फुटप्रिंट्स वो हमेशा छुपाने के, क्योंकि अगर पुलिस ने एक सबूत भी ले लिया तो वो सबूत को सुनते सुनते वो तुम्हारे पास में आ सकते। तो हमेशा बी केयरफुल अबाउट लीविंग ट्रेल्स, क्योंकि अगर ट्रेल्स नहीं होंगे तो फिर वो केस अनसॉल्व रहेगा, मतलब पुलिस दिमाग ख़राब कर लेंगे खुद का कि भाई ये था कौन बंदा, क्या है चुरा के भाग गया है। वैसे पुलिस तो इन्वॉल्व होगी नहीं इस मिशन में, क्योंकि ये आइलैंड इलीगल है और जो आइलैंड का मालिक है वही पुलिस के बराबर है। अगर उसने तेरे को देख लिया, उनको देख लिया तो वो पेल देगा। ध्यान रखना कि अगर तुम आगे जाके कहीं पे चोरी वोरी कर रहे हो तो वो अगर इलीगल जगह से चुरा रहे हो तो पुलिस का लफड़ा नहीं होगा। लेकिन ये बात है कि अगर उस चोर को पता लग गया कि उसके घर में तुमने चोरी की है तो फिर वो अपनी पूरी आर्मी भेजेगा वो तुम्हारे पीछे, तो उसके लिए फायर फाइटिंग करने के लिए तुम तैयार रहने पड़ते घर पे AK-47 ऐसा रखने का। अगर असला बारूद नहीं है तुम्हारे पास में, तुम लोग जा रहे चोरी करने में, क्या मजाक है क्या। तो अभी ये टावर में अपन आ गए, ये टावर है ना, ये आइलैंड का ये है कम्युनिकेशन हेड। तो कम्युनिकेशन हेड बोले तो यहाँ पे पूरे सिग्नल विग्नल आते हैं हर चीज़ के, तो सिग्नल में अपन हैक करके कैमरा हैक कर सकते बोले। एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस क्या है तो नॉर्मली चे हर जगह पे रहता। अभी कैसा, जब भी तुम लोग चोरी कर रहे हो ना तो हमेशा कैमरा हैक कर लेने का। हैक करने से क्या होता है कि किसी के पास में सबूत भी नहीं रहेगा, फिर अपने पास अपर हैंड रहेगा कि हर जगह पे क्या क्या है देखने के लिए। अभी अपन अपने कैमरा हैक किया तो अभी देखेंगे अभी अपन अंदर क्या ऐसा माल पड़ा है, किधर क्या मिलेगा क्या मिलेगा। अभी बियर और बॉन्ड है अपने पास, तो बियर और बॉन्ड कैसा रहता, एक कागज की कीमत बोले तो बहुत ज्यादा रहती है। एक कागज की कीमत कुछ तो भी 10,000 या फिर $1,00,000 ऐसा कुछ तो भी रहता, मालूम नहीं मेरे को ज्यादा। तो वो सारे अपन कागज उठाएंगे और फिर पावेल अपना स्मगलिंग वगलिंग करेगा उसका, और पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। एक और टिप है यहाँ पर कि अगर तुमको कहीं पे चुराने का ही है तो बियर और बॉन्ड में चोरी करो, क्योंकि बॉन्ड का कैसा पेपर ट्रैक नहीं बना सकते कि भाई पेपर गया तो किसके पास गया। अगर सोना चांदी ये सब चुरा रहे तो उसको फिर पहले पिघलाना पड़ता, फिर मार्केट में उतारना पड़ता छोटे छोटे अमाउंट में, फिर पैसा आता झोलझटे, एक दो साल लग जाते उसके लिए। तो इंस्टेंट मनी चाहिए तो बियरर बॉन्ड्स। अभी अपने को टारगेट पता लग गया कि क्या चुराने का, अभी अपने को जाने का है तैयारी करने को, क्योंकि अगर बिना तैयारी गए तो फिर अपना ही गेम बच जाएगा, फिर पैसे तो रह जाएंगे लेकिन जान से हाथ धो बैठे हुए। तो ऑलवेज गो प्रिपेयर। देखो अभी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं, प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है एक व्हीकल आने जाने के लिए, और फिर इक्विपमेंट्स जो चोरी कर रहे हैं, अगर तिजोरी है तो कटर और फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फिर हैकिंग के डिवाइसेस और फिर जो जो भी लगता है उस जगह पे। फिर आता है वेपन लोड आउट, वेपन बोले तो असला बारूद और फिर क्या चाहिए होता है, बस हो गया। तो अभी अपन जाएंगे व्हीकल अरेंज कर रहे हैं, तो व्हीकल अगर जैसे ही अरेंज कर रहे हैं अपन, तो मैंने सिलेक्ट किया इधर सबमरीन का। तो सबमरीन का कैसा, वो आइलैंड के आजू बाजू अपन गए तो ये रहता उधर, क्या रहता रेडार। तो रेडार में अगर अपनी सबमरीन आ गई तो उसको पता लग जाएगी कि ओह ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, फिर वो पूरी बारात निकालेगा अपने पूरे रास्ते पे। सोनार जामर ऐसा रहता है कि वो रेडार में अपना पोजिशन बता नहीं सकता, एक इनविजिबल क्लॉक के जैसा, तो अभी वो बहुत बहुत महंगा आता तो उसको खरीद तो नहीं सकते, तो अभी क्या करेंगे चुरा लेंगे।
तो अभी अपने पास में व्हीकल का विषय खत्म हो गया, सुनार जाना जैमर आ गया, तो अभी अपने को इक्विपमेंट का बंदोबस्त लगाने जाएगा। तो इक्विपमेंट्स में अपने को चाहिए सेफ के कोड्स। तो पावेल की इंटेलिजेंस के हिसाब से सेफ कोड्स का जो मैनेजर है जिसके पास में सेफ कोड है वो कैसीनो में धींगा निकाल रहा है। तो अभी अपने उसको पूरा धींगा निकाल के पूरी मस्ती निकाल दी उसकी। तो रिमेंबर गाइस, जब भी आप किसी सेफ को क्रैक करने जा रहे हो, अपने को मालूम पड़ा कि अपन चोरी कर रहे हैं तिजोरी में, तो उस तिजोरी का कोड अपने को पहले से मालूम होने को मांगता है। क्योंकि अगर कोड नहीं मालूम है उधर बैठ के अपन ऐसे क्रैक करने बैठ जाए, ऐसे स्टेथोस्कोप लेके काड़ा करा 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 करने, मतलब नहीं है उस चीज़ का। अपने को पहले से कोड मालूम पड़ने का है, उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और एकदम स्लीक। रिमेंबर जेंटलमैन, हाइस्ट इज एन एक्ट ऑफ आर्ट, वी मस्ट डू इट स्मूथली एंड विद कंपैशन। तो देखो दोस्तों, अपने पास व्हीकल्स आ गए, इक्विपमेंट्स आ गए, वेपन लोड आउट आ गया। अभी अपने को चाहिए तो चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए, हो गया बस इतना। अभी अपन जाएंगे धूम मचाने। तो अभी आइलैंड में जा रहे हैं, सबसे डिस्क्रीट तरीका तो मेरे को ऐसे ही लगता है कि अपने को तैर के जाने को मांगता है। अभी करेंगे अपन तगड़े में चोरी, चोरी चकारी, एकदम किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा अपन आए हैं, कब उठाए हैं, कब चले गए, एकदम चुपचाप ऐसे आर्ट 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 जिसको बोलते ना, ये तो समझ में नहीं आता, वो करेंगे अपन। अभी देखो, अपन ने वो कटर खरीदा था ना, कटर लिया था ना, छुराया था ना वो कटर, ये पैनल खोरने के लिए। देखो क्योंकि तो अपने को मालूम नहीं ना भाई आगे कौन सा मेटल का धातु आ जाएगा, उसके लिए तैयार रहने को मांगता है। तो ये तैयारी करके आया एकदम दुपुक करी मस्त राड़ा एकदम ईजी। अभी तुम लोग आए इधर तो दो तीन को तो दो तीन का तो गेम बजाना पड़ेगा ना अपने को, तो उसके लिए तिजोरी चोरी करने का है। अभी ये हो गई तिजोरी, ये तो दूसरी वाली तिजोरी, ये ऐसा ऊपर अलमारी है। अपने को असली माल मिलेगा नीचे बेसमेंट में, बेसिकली सारा असली माल नीचे ही होता है। ये देखो फिंगरप्रिंट स्कैनर, अभी इधर फिंगरप्रिंट का अपन जुगाड़ बिठाएंगे। हाईटेक टेक्नोलॉजी विषय क्या इट वर्क मिस्टर पावले, इट वर्क। लगाइस था मेरे को, रिमेम्बर 72 70 20 20। ये बात बियरर बॉन उठाने का और फाड़ी हो जाने का। अभी एग्जिट करने का अपने को, एग्जिट कैसे करेंगे अपने, एग्जिट 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 मामा ऐसे करेंगे अपने, एग्जिट कब कर जाने का। गप 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 अभी अपन मालूम क्या, ये आइलैंड से फाड़ी हो सकती है लेकिन अपनी बैग अभी खाली है पूरी। इतने दूर आ रहे अपन तो खाली बैग थोड़ी लेके जाएंगे भाई, ऐसा थोड़ी चलता, अच्छा नहीं लगता ना ऐसा। ऐसे आई हैव सम रिस्पेक्ट मैन, हैव सम डिसेंसी। इधर आएंगे अपन और चुराएंगे, क्या ये कैश, हार्ड कैश पड़ा है, चलो हार्ड कैश उठाएंगे। चले गुकु गुकु हार्ड, देयर इज नो सच थिंग एज टू मच मनी मैन। रुक जा, हार्ड कैश ही है तो अपनी बैग पूरी नहीं होगी, कोई बात नहीं, अभी बैग लेके चल जाएंगे। और अपन उठा सकते हैं, आधी बैग भरी है अपनी, लेकिन आधी बैग भरने के लिए अपने को जाना पड़ेगा बहुत दूर नदी के उस पार। आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है अभी, फटफट खत्म करते। कितना है अपने पास, $1.3 मिलियन, तो आई थिंक इट्स इनफ।
काफी लूट लिया अपन ने, अभी अगर अपने को और लूटना हो तो और आगे आएंगे, और अभी आज के लिए इतना ही काफी। चलो मिस्टर रूबियो, आई एम गोइंग, बाय बाय। याद रखो दोस्तों, अति लालच बोले तो शैतान का दिमाग, बहुत बहुत लालच भी नहीं करने का, थोड़ा सा लेने का और गायब हो जाने का, क्योंकि अगली बार भी आ सकते हैं ना अगर अपने को और चाहिए तो। ऑलवेज रिमेम्बर, जो आगे है उठाओ और निकलो फटफट, ज्यादा मचान नहीं करने। और इसी के साथ अपने पीछे हेलीकॉप्टर लग गया है और हम अभी जा रहे हैं नदी में, दूर समंदर में, और ये नदी पार। और इसी के साथ हो गया अपना हाइस्ट पूरा। उम्मीद है आप सबको कुछ ये मिला होगा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी टिप्स मिली होंगी कि कैसे अपन चोरी कर सकते हैं कहीं आइलैंड में, या फिर कोई घर में, या फिर कोई तिजोरी कैसे लूट सकते हैं, या फिर यू गेट द आइडिया। तो अपने को मिले यहाँ पर $1.1 million, 7,42,00,000, ऊपर का छुट्टा 70,000। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप सबको वीडियो देखकर मजा आएगा। जब मजा आया होगा तो अपने 2-3 दोस्तों को बताओ ताकि वो भी बैंक लूट सके, या फिर कोई प्राइवेट आइलैंड लूट सके और अमीर हो सके मेरे जैसा। और बस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय। And we'll grow in number, fueled by thunder, see the horizon, turn us to thou.